नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि एग्जैक्ट 6:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कल जारी हुए आंसर की पर, जो SI मेल और फीमेल के लिए जारी की गई, उनके बेस पर आपकी कट ऑफ क्या बन रही है। डेफिनेटली मैंने जो आपको पहले कट ऑफ की वीडियो बता रखी है, कुछ उसके आसपास ही रह रहा है सारा मामला, लेकिन फिर भी आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हुआ हम एक और शानदार और एक्यूरेट वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, हम वो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट दिखाएं, उससे पहले कुछ बातें करना जरूरी है। दोस्तों कल SI मेल और फीमेल की जो आंसर की है वो अपलोड कर दी गई थी, मेल और फीमेल की दोनों की, आप सभी को पता है और आपने आंसर चेक भी कर लिए। लेकिन कल जैसे ही हम लाइव आए थे तो हमने कैंडिडेट से कहा था कि आप अपने स्कोर हमें भेजिए और मेल ID भी बताई थी, तो तकरीबन हमारे पास 1100 के आसपास कैंडिडेट्स के मेल आए और उन मेल्स में उन्होंने अपने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं वो उन्होंने मेंशन किया। तो टोटल आपको मैं बता दूं कि आपका एग्जाम जो था 100 क्वेश्चंस का था और हर क्वेश्चन का 0.8 मार्क्स था, यानी टोटल 80 नंबर का आपका स्कोर था। और यही मैं आपको 80 में से आपका स्कोरिंग क्राइटेरिया बताऊंगा, यानी आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। लेकिन उससे पहले बात थोड़ी कर लेते हैं दोस्तों, HSSC की बात करनी बनती है। इतनी जिम्मेदार एक एग्जाम की बॉडी होने के तहत हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिनके एक एक निर्णय पर कैंडिडेट्स का फ्यूचर डिसाइड होता है, उन्होंने दोस्तों भर भर के गलतियां की है आंसर देने में। यानी कोई भी आंसर की ऐसी नहीं है सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी, एफ, जेड तक, जहां भी जितने भी आपके थे उनमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 तक भी आंसर उन्होंने गलत दे रखे हैं। बिल्कुल एक सेट है आपका W, जिसमें 4 आंसर उन्होंने सरेआम गलत दे रखे हैं। अब मैंने भी उसके लिए ऑब्जेक्शन लगाया है अपने यहाँ से, तकरीबन हमने 74 मेल्स किए हैं उनको उसके रिगार्डिंग। और दोस्तों ये एक बड़ा ही अजीब दृश्य सा हो जाता है, जब इतनी आपके पास इतनी पावर है, आप इतने जिम्मेदार एक संस्थान होने के नाते आपका यहाँ पर जो गलती करने का रेशियो है वो 0.0% होना चाहिए और आप की जो गलतियों की भरमार है वो हर बार बढ़ जाती है, तो ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं होनी चाहिए। अब कैंडिडेट्स बेचारे क्या करें, 3 क्वेश्चन गलत हैं, किसी में 4 क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, तो फिर ऐसे आप वो एक्सपर्ट रखते क्यों जो आपके आंसर सही नहीं बता पाते उनके। तो खैर ये तो उनके ऊपर की बात है, जो एक डिस्कशन तो हमने करना ही था इसके बारे में, कभी और हम लाइव आकर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो आंसर की थी वो उन्होंने खैर कल अपलोड कर दी और 2 दिन का आपको ऑब्जेक्शन का टाइम दिया था, 3 दिन का ऑब्जेक्शन का टाइम दिया है। और ऑब्जेक्शन के टाइम में उन्होंने आपको मेल ID दी थी, जो मैंने आपको पहले भी मेंशन कर दी, मेल और फीमेल दोनों की आंसर की अपलोड हुई और उसके बेस पे लोगों ने, तकरीबन 1100 स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया है मेरी मेल ID पर mjsgra@gmail.com पर, और उसी के बेस पर मैं आपके लिए अपनी कट ऑफ बनाकर लाया हूँ। और कुछ भी फेयर मैं आपके साथ फेयर भी होना चाहता हूँ, कोई इसमें वो बात नहीं है। मैंने डेफिनेटली कुछ प्रीवियस ईयर की स्टडी की, आपकी क्या कट ऑफ प्रीवियस ईयर रही थी और इस साल क्या रह सकती है, और कुछ चैनल्स के मैंने वीडियो भी देखे कि वो क्या बता रहे हैं। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेट स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो मेल और फीमेल की जो हमने पहले बताई थी उससे तो कम आ गई है, लेकिन कितनी कम आई है या क्या रहने वाली है वो देखने वाली दिलचस्प बात होगी। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बता देता हूं हमारे पास मेल के किस टाइप से उन्होंने अपने हमें मेल किए, क्या स्कोरिंग क्राइटेरिया उन्होंने अपना बताया। चलिए चलते हैं। ये लीजिए दोस्तों, आपके जो मेल का हमारे पास टोटल जो आए थे मेल आए हैं 914, यानी 914 कैंडिडेट्स ने हमें मेल किया है। और 914 कैंडिडेट्स में से मैं आपको बता देता हूं कि 52 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके क्वेश्चन 70 से अबाव सही हो रहे थे, 1747 थे जिनके 65 से 70 के बीच में थे, 274 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 60 से 65 के बीच ठीक हुए थे, 169 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 50-60 के बीच में, और 272 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके स्कोर रिंग जो क्वेश्चन था वो बिलो 50 था। तो दोस्तों देखिए, अब आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो एक बात आप डिसाइड कीजिए कि अगर आप उन्होंने स्टूडेंट कैंडिडेट लेने हैं 400, अब 400 में अगर 500 कैंडिडेट 70 से ऊपर क्वेश्चन सही करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, यानी 50 से तो अबाउ चली जाएगी। लेकिन अब वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग उनको रिजर्वेशन में भी वो उनको कुछ फ़ायदा होता है, अदर स्टेट्स के भी होते हैं, तो वो सारा क्राइटेरिया हमने ध्यान में रखा। अब आप यहाँ बात कर सकते हैं जी ये 60-65 कैसे, तो कुछ इसमें यूँ
हमने एक वेरिएबल लिया है, यानी कुछ 10-12 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 60 थे और 50-60 ऐसे होंगे जिनके 65 थे, किसके 62 थे, 64 थे, तो इस हिसाब से हम एक वेरिएबल लेकर चलते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, ये क्वेश्चन है राइट आंसर्स, यानी 52 कैंडिडेट्स के 71 47 के 65 to 70, 274 के 60 to 65, 169 के 50 to 60 और 272 के बिलो 50 रहे थे। तो ये हमारे पास एक आंकड़ा निकल कर आया और इसके बेस पर हमने आपको एक कट ऑफ बनाई है। इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं, मैं फैक्टर बता देता हूं कौन सा फैक्टर है कि हमने एक तो आपका प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही वो देखी, इस बार एग्जाम का लेवल क्या था, एक मीडियम था और मीडियम से मॉडरेट की तरफ थोड़ा सा था। फिर हम बता देते हैं आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने कितनों ने इसमें भाग लिया, तो हमारे पास कितनों का मेल आया, तो वो आपको हम यहाँ पर ये एक एनालिसिस यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ा सा पिछले साल से तो हाई है, लेकिन जो पहले हमने अजम्पशन किया था उससे थोड़ा सा कम है, उतना भी कम नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जी हाँ, जिस चीज़ का आपको इंतजार था वो मैं लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। जी बिल्कुल, देख लीजिए आपके सामने ये लिस्ट बनी हुई है और इसी पर मैंने आपको कहा था बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद, एक कंसोलिडेट स्टडी करने के बाद हमारे पास ये डाटा आया है। जनरल की कट ऑफ जो जाने वाली है दोस्तों वो आपकी रहेगी 53 out of 80, यानी 53 नंबर आपके आने चाहिए, स्कोरिंग रेट आपका 53, आपका क्वेश्चन सही 53 आपको स्कोर करना चाहिए। बीसीए के लिए, बीसीए के लिए आपको 50 नंबर चाहिए, बीसीबी फिर वही जनरल के बराबर खड़े हो सकते हैं। इसमें एक और भी मैं आपको बात बताऊंगा, एससी के जो कैंडिडेट हैं उनको 43 का स्कोर डेफिनेटली चाहिए, और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको किसी न किसी कैटेगरी के अंडर अलग अलग कैटेगरीज में रिजर्वेशन मिला है, उसमें आपके एक्स सर्विसमैन भी हैं, विडो, जो भी तलाकशुदा या जैसे भी कैंडिडेट हैं वो इसमें रहेंगे, तो उसमें आपको 38 का स्कोर डेफिनेटली करना है और फिजिकल हैंडीकैप का 39 का। तो ये हमारी कट ऑफ रहने वाली है मेल के लिए, हरियाणा पुलिस एसआई मेल के लिए। इसके बाद 100 में से क्या रहेगी वो डिस्कशन भी हम किसी दिन करेंगे, हम लेकर आएंगे स्पेशल उसके लिए, लेकिन ये आपकी 80 से 53 आपकी जनरल की, बीसीए की 50, बीसीबी की 53, एससी की 43, ईपी ईबीपीजीसी की 38 और पीएच की 39। इसमें मैं बता दूं वो कैंडिडेट जिनको अलग अलग कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन मिलता है, उसमें एक सर्विसमैन भी आते हैं तो डिपेंडेंट भी आते हैं, सब हैं, तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो जी हाँ, बड़ी खबर इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको, हमने आपको एसआई मेल कैंडिडेट्स की आंसर की के बाद की, आफ्टर आंसर की रिलीज होने के बाद की आपको कट ऑफ दे दी है। ये दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया, 914 कैंडिडेट्स ने हमें मेल किया, हमारी मेल आईडी मैं आपको, आपने भी करना है तो आप mjsgra@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। तो एसआई मेल की कट ऑफ आ चुकी है आपके सामने, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस कट ऑफ को आगे शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका अंदाजा भी यही कहता है, आपका स्कोर इन स्कोर्स के क्राइटेरिया में आता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लग जाइए फिजिकल की तैयारी में और दोस्तों जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए हरियाणा में सब इंस्पेक्टर बनने का, तो एक बड़ा मौका आप सभी के लिए, और आप बनिए, तो बने रहिए हमारे साथ। अब बात आती है दोस्तों फीमेल की, तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी हमने वही, लेकिन एक थोड़ा सा इसके लिए हमारे पास डाटा कम था, और मैं बता दूं थोड़ा सा हम निराश हुए क्योंकि मेल जो फीमेल कैंडिडेट्स थे उन्होंने हमें कम मेल किए हैं, लेकिन जितने भी किए उसके बाद में हमने जो एनालिसिस किया हमारे इंटरनल सोर्सेज से, जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, लेवल था, उसके बेस पर आंसर की क्या है वो सब, उनको जो हमने क्राइटेरिया ध्यान में रखा, तो उसके चलते हम आपको बता देते हैं। फीमेल जो कैंडिडेट थे दोस्तों 175 कैंडिडेट ने हमें मेल किया, तो उनमें से 21 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके 65 से अबाउ क्वेश्चन सही हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपकी आंसर की, और 56 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 55 टू 65 के बीच में आंसर सही हो रहे हैं, और 44 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके 50 से 55 के बीच में आंसर सही हो रहे हैं, और 54 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 50 से बिलो, मैं आपको बता दूं किसी के 35 भी थे, किसी के 40 भी थे, किसी के 48 थे, किसी के 50 भी थे, तो 49 भी थे। तो ये डाटा हमारे पास उस बेस पर आया है हमारे, जो आपने हमें मेल की है। तो एक तो रिक्वेस्ट है मेल फीमेल कैंडिडेट से कि आपको जब हम थोड़ा सा कुछ ये आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप हमें मेल करेंगे, एक हम यानी रियल डाटा की तरफ चले जाते हैं, जितने हम लॉजिस्टिक रहेंगे, जितना हम रियलिस्टिक रहेंगे, बात करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जो कट ऑफ बता रहे हैं उसके बेस पे हो सकता है कोई एक दो नंबर से किसी का रह जाए, कोई ऊपर चला जाए, कोई तैयारी ना करे निराश होकर, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा ऐसे होने की जरूरत नहीं है, आप फिजिकल की तैयारी अपनी जारी रखिए, कोई भी यहाँ पर आपको 100% गारंटी से नहीं बता सकता कट ऑफ यही रह सकती है, लेकिन बिल्कुल मैं ये बता सकता हूँ कि कट ऑफ आपकी इससे नीचे
नहीं जाएगी, डेफिनेटली नहीं जाएगी। ऊपर चली गई वो अलग बात है, तो ऊपर का तो एग्जाम का लेवल जो था इतना हार्ड था, ऊपर नहीं जाने वाली। नीचे इससे मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। तो जो हम अब SIFE में की जो कट ऑफ बताने जा रहे हैं, उसके बेस पर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूं SIFE की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये आ रही है दोस्तों 80 नंबर में से आपकी। तो जनरल कैंडिडेट, हालांकि 63 ही सीट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर आपका स्कोर इसके बीच में बन रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल की आपकी मेरिट जाएगी दोस्तों, मैं कि आपकी जो मेरिट है वो जाने वाली है 50, 50 बिल्कुल 50 का अगर आपका स्कोर है तो आप लग जाइए अपनी फिजिकल्स की तैयारी में। डेफिनेटली यू विल बी द नेक्स्ट फीमेल SI ऑफ हरियाणा पुलिस। BCA कैटेगरी वाली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, 46 अगर उनके मार्क्स बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली जा रहे हैं फिजिकल के लिए। और BCB की बात करूं तो एक नंबर कम दे रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी से भी, क्योंकि जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट की भी कैंडिडेट्स होंगी। तो BCB के लिए 49% डेफिनेटली रहने वाला है, और SC कैंडिडेट के लिए 41 का स्कोर बहुत ही निहायत जरूरी रहेगा, और EBPGC के लिए 37 और फिजिकल हैंडीकेप के लिए 39। तो अगर आपकी बन रही है इसी कट ऑफ के आसपास, कहीं ना कहीं स्कोर आपका आ रहा है, तो डेफिनेटली आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपका चांसेस बहुत ही ब्राइट रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मैं आपको बता दूं, कई कैंडिडेट्स ने ये भी कहा था कि जी हमारी 63 पोस्ट है, तो 450 जब लेडीज बुलाने वाले हैं वो फिजिकल के लिए, तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। ऐसे है बात नहीं, कट ऑफ डेफिनेटली हाई, ये हायर साइड है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तो बहुत ही कम, 41, ये 40 41 25 30 इतने मार्क्स तक गई थी। तो इस बार ये हायर साइड में ही है आपकी, चाहे वैकेंसीज कितनी हो, लेकिन इस बार डेफिनेटली लड़कियों ने मेहनत की है, फीमेल्स ने मेहनत की है, तो आपकी कट ऑफ लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं जैसा कि हमने कहा था। तो 50 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी के बन रहे हैं तो आप जा रहे हैं फिजिकल के लिए। BCA की फीमेल कैंडिडेट के 46 मार्क्स होने चाहिए, BCB के 49, SC के 41, EBPGC के 37 और फिजिकल हैंडीकैप के 39 अगर स्कोर बन रहा है तो आप जा रहे हैं फिजिकल। ये आउट ऑफ 80 है, 80 में से है दोस्तों। तो आप अपना स्कोर जो भी है वो इसमें ऐड करके देख सकते हैं। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अंत में मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि SSC की जो HSSC के जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने आपका जो स्कोरिंग पैटर्न है वो तो आंसर की जब उन्होंने इशू की तो उसमें हर आंसर की में 2 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली गलत है। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये मेरिट कैसे बनाई है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर आप 2 नंबर का मार्जिन लेके चलें, डेफिनेटली 2 नंबर का आप मार्जिन लेकर चलें। 2 नंबर आपके हर किसी के ऐड किए गए हैं इसमें, यानी जो ये जो कट ऑफ बनाई है हम एक स्टेप फर्दर जाके बनाई है, जो कोई भी नहीं बना रहा है, किसी ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन हमने आपके 2 नंबर यहाँ पर ऐड कर ही, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद में, यानी आप हर किसी को हमने सोच लिया कि 2 नंबर मिलने वाले हैं, तो 2 नंबर ऑब्जेक्शन के बाद अगर 2 नंबर ऐड कर देते हैं तो ये आपकी SI मेल और फीमेल दोनों की हमने कट ऑफ आपके लिए बनाई है। तो अगर आप इसी कट ऑफ के दायरे में कहीं ना कहीं बैठते हैं, खुद को पाते हैं, तो डेफिनेटली आप इस बात पर यकीन करें कि आप फिजिकल के लिए जरूर जाने वाले हैं, तो आपका फ्यूचर काफी ब्राइट है। ये था हमारा हरियाणा पुलिस का SI मेल और फीमेल का आफ्टर आंसर की एक एनालिसिस, जिसमें हमने आपको बताया कि क्या रह सकती है आपकी कट ऑफ। अगर कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएगी दोस्तों, ऊपर भी नहीं जाएगी, डेफिनेटली यही आपका एक होल ऑफ ब्रैकेट रहने वाला है, जो कंसर्न एरिया है, यानी इसी के बिटवीन आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं रहेगी। हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका स्कोर क्या बन रहा है वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो, आपका कोई भी हमारे से कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट की टीम आपके लिए मौजूद रहेगी 24/7, यानी 24 घंटे आपका जवाब दिया जाएगा किसी भी तरह का। और ऑब्जेक्शन मैं कह रहा हूं, जिस भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स, अगर अभी भी जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है, डेफिनेटली अगर किसी और के भी हैं तो आप अपनी मेल आईडी से एक बार जरूर मेल कर दें, और आप हमें भी वो मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी आपको मिल जाएगी हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में, और वहां हम भी आपकी मदद करेंगे ऑब्जेक्शन को फिल करने में, ऑब्जेक्शन भेजने में HSSC की तरफ, उनके संज्ञान में लाने में। तो आपके अब आप एक सवाल और होगा कि SI की PMT और PST, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, और जो आगे 10 नंबर मिलने हैं हमें, वो किस प्रकार मिलेंगे, उस पर भी इंस्पेशनल गुरुजी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, एक लाइव सेशन भी होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो से आप ना रह जाएं दूर। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले भविष्य के सब इंस्पेक्टर को इंस्पेशनल गुरुजी यूट्यूब परिवार की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं।